अरे बेटा मत रो, तुम सुबह से इंटरव्यू ले रहे हो लड़कियों का शादी के लिए, क्या कोई लड़की पसंद आई? पिताजी, सुबह से 10 लड़कियों का इंटरव्यू ले चुका हूँ, पर मेरे लायक एक भी लड़की नहीं थी। मगर क्यों बेटे, क्या हुआ? किसी के तो 5 बॉयफ्रेंड, किसी के 10 बॉयफ्रेंड, किसी लड़की का ऑफिस में चक्कर चल रहा है, किसी लड़की का कॉलेज में चक्कर चल रहा है। बेटा मत रो, तो कौन सा दूध का दूल्हा है, तेरी भी तो सैकड़ों गर्लफ्रेंड हैं। पिताजी मेरा क्या है, मैं तो लड़का हूं ना। बेटा मटरू, एक लड़की इंटरव्यू के लिए गांव से आई हुई है, वहां बैठी है, क्या उसको भेज दूं? ठीक है पिताजी, भेज दो, देर किस बात की है। ठीक है बेटा, अभी भेजता हूँ। सिट डाउन। अरे बैठिए। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सावित्री है। आपका किसी के साथ प्रेम व्रेम का कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चलता है ना जी? नहीं जी। आप हमेशा सलवार सूट ही पहनती हैं क्या सावित्री जी? जी मुझे सलवार सूट पहनना ही पसंद है, मुझे दूसरे कपड़े अच्छे नहीं लगते। आप अपने पति को क्या मानोगी जी? जी मैं उन्हें भगवान मानूंगी और सुबह शाम उनकी हर रोज पूजा भी करूंगी। आप मेकअप वेकअप भी करती हो क्या सावित्री जी? नहीं जी, मुझे सीधी सादी रहना ही पसंद है। आपके साथ कोई आया है क्या? जी मेरे साथ मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पिताजी आए होंगे, और कौन? नहीं जी मेरे साथ मेरा टिंकू। अच्छा अच्छा अच्छा, टिंकू, आपका भाई टिंकू आपके साथ आया है, चलो कोई बात नहीं। वैसे आप मुझे बहुत पसंद हो, आप मेरे साथ शादी करोगी ना? जी मैं यहाँ शादी के लिए तो आई थी, पर मेरे साथ मेरा टिंकू। ओहो मैं समझ गया जी, समझ गया, चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शादी कर लेते हैं। खड़े हो जाओ। ये लो जी, आप पहले वरमाला मेरे गले में डालो। अब से आप हो गई मेरी धर्म पत्नी। चलो अब आप अपने भाई टिंकू को बुला दो, वो हमें आशीर्वाद दे देंगे। मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है, मैं तलाक शुदा औरत हूँ, समझे?